हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं हूं राजन और आप देख रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हेक्सा ब्लेड के बारे में कि जो हेक्सा ब्लेड होता है वो हमारा वो क्या होता है। जैसे ये हमारा हेक्सा ब्लेड है, आप देखेंगे इसको, ये हेक्सा ब्लेड्स हैं। ये इस हेक्सा ब्लेड्स के बारे में बताऊंगा मैं आपको, ये जो हेक्सा ब्लेड्स होते हैं हमारे ये किस तरह से काम करते हैं हम, क्या इनका स्पेसिफिकेशंस होता है, क्या है सब कुछ, एवरीथिंग डिस्कस करेंगे हम आज अपनी इस वीडियो में। इन हेक्सा ये जो ब्लेड्स हैं हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, क्या होते हैं, ये सभी कुछ डिस्कस करेंगे आज हम अपनी इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं हम जो आप हेक्सा आप जी देख रहे हैं हमारे ये सभी हमारे हेक्सा ब्लेड्स हैं। इन हेक्सा ब्लेड्स को हम कोई भी हेक्सा ब्लेड है हमारा मेटल को कटिंग करने के लिए इसको हम हेक्सा फ्रेम में होल्ड करके और किसी भी मेटल को कट करना है तो हम इजीली इस मेटल को कट कर सकते हैं हेक्सा ब्लेड्स और हेक्सा फ्रेम की हेल्प से। तो दोस्तों इन्हीं सब के बारे में हम जानेंगे आज। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहना वीडियो में। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसकी डेफिनेशन। अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, डेफिनेशन तो जो हमारा ये हेक्सा ब्लेड्स हैं एक कटिंग टूल है और इसका यूज़ करते हैं हम किसी भी मेटल को कट करने के लिए। आप कोई भी मेटल हमें कट करना हो तो हम इसको 20 से 2 पार्ट्स करने हैं, ज़्यादा एक्सेस मटेरियल रिमूव करना होता है तो हम इस हेक्सा ब्लेड का यूज़ करते हैं। अब ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं हमारे जो हम यूज़ करते हैं, इसको हम एक हेक्सा फ्रेम होता है हमारा उस फ्रेम में होल्ड करके और इसको हम फिर कटिंग करते हैं। इसके बाद हम जानते हैं इसके मटेरियल के बारे में। तो दोस्तों मटेरियल के बारे में बताना चाहूँगा, ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के आते हैं हमारे। हाई कार्बन, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो ब्लेड है ये हाई कार्बन स्टील का बना हुआ है ब्लेड है, हाई कार्बन स्टील। और आप यहाँ पर देखेंगे ये जो ये ब्लेड दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये हमारा हाई स्पीड स्टील का ब्लेड है, देख रहे हैं आप ये हाई स्पीड। तो हमारे पास ये दोनों ही तरह के ब्लेड्स हैं, ये आप यहाँ पर देखें ये भी हाई स्पीड स्टील के हैं। तो इसके बाद और भी मटेरियल्स में आते हैं, कोबाल्ट में आते हैं और अलग अलग मटेरियल्स में भी, अलॉय स्टील्स वगैरह में भी ये हमारे ब्लेड्स आते हैं जो कि हम अकॉर्डिंग टू मटेरियल यूज करते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो दोस्तों ये जो ब्लेड्स हैं ये हमारे 2 टाइप्स के यूज होते हैं इंडस्ट्री में या वैसे भी हम जो यूज करते हैं वर्कशॉप में। तो ये जो ब्लेड्स हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, इसमें एक होता है हमारा ऑल हार्ड और एक होता है फ्लेक्सिबल। और ये जो देख रहे हैं इसमें हमारे जो ऑल हार्ड ब्लेड होता है, उस ऑल हार्ड ब्लेड्स में बताना चाहूँगा मैं आपको कि जो कोई भी ब्लेड है ऑल हार्ड में, जैसे ये ब्लेड है हमारा, इसमें क्या होता है ये इसके जो ये पिंस देख रहे हैं आप यहाँ से, इसके जो ये पिंस हैं दोनों, इन पिन होल्स को छोड़ के, ये जो दोनों पिन होल हैं इन दोनों पिन होल को छोड़कर बाकी पूरी की पूरा बॉडी इसकी हार्ड की जाती है, इसको बोलते हैं हम ऑल हार्ड ब्लेड। ये दोस्तों ज़्यादा जब हमें टफ मटेरियल होता है, हार्ड मटेरियल होता है वहाँ पर खींचते हैं, और ये हमेशा ज़्यादा हमारा जो स्किल्ड वर्कर जिसको हैक्साइंग की अच्छी प्रैक्टिस होती है वही ऑल हार्ड ब्लेड को यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ हम इसको यूज़ करेंगे तो ये टूट जाते हैं, जिससे कि जल्दी इजिली टूट जाएंगे क्योंकि ये पूरा हार्ड होता है, इसके दांते जल्दी घिसते नहीं है, टीथ्स हैं इसके ये घिसते नहीं है तो और जल्दी ख़राब नहीं होंगे तो, लेकिन ये टूट सकता है तो इसलिए इसको स्किल्ड वर्कर ही यूज़ करते हैं ऑल हार्ड ब्लेड को। दूसरा आता है हमारा इसका फ्लेक्सिबल, जैसा कि बताया। तो फ्लेक्सिकल जो ब्लेड होता है उसमें दोस्तों बताया मैंने, उसमें बताया था कि सिर्फ इन ये जो पिन होल होते हैं, रिटेनिंग पिन होल जो होते हैं इनको प्रोंग्स भी बोलते हैं, तो इनको छोड़ के जो ये उसमें पूरा का पूरा हार्ड होता है, लेकिन जो फ्लेक्सिबल होता है उसमें सिर्फ ये टीथ्स होते हैं आपके जो दांते हैं ना इसके ब्लेड के, आप देख सकते हैं ये जो टीथ्स होते हैं हमारे दांते होते हैं ब्लेड के, सिर्फ इन ब्लेड के दांतों को ही हार्ड किया जाता है इसमें जो फ्लेक्सिबल होता है, बाकी जो पूरी बॉडी है उसको फ्लेक्सिबल छोड़ा जाता है, जिससे कि जब हम मेटल को कट करते हैं जो झटके लगेंगे, झटके लगने के टाइम पर ये ब्लेड्स टूटते नहीं हैं। स्टार्टिंग टाइम में जब हम प्रैक्टिस करते हैं हेक्साइंग करने की तो हम ये फ्लेक्सिबल ब्लेड ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हम जब हेक्साइंग करते हैं तो थोड़ा लेफ्ट राइट को रोटेट करके थोड़े झटके ज़्यादा लग सकते हैं, तो इसके कारण हम सबसे पहले फ्लेक्सिबल ब्लेड ही यूज़ करते हैं। अब देखते हैं इसके बारे में बात करते हैं, तो ये पूरी इसकी ब्लेड है, इसकी लेंथ होती है पूरी ये, उसके बाद इसके बात करते हैं ये हमारे ये इसके प्रोंग्स होते हैं और उसके बाद ये इसके इस पर ये टीथ्स कटे होते हैं, तो ये सभी इसके पार्ट्स के नाम है। ये जो प्रॉन्ग्स मैंने बताया आपको, ये जो पिन होल होते हैं यही हमारे हेक्सा फ्रेम की रिटेनिंग पिन जो होती है उनमें फिक्स किए जाते हैं, और उसके बाद विंग नट से इसको टाइट करके फिर हम इसकी कटिंग करते हैं।
इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम इसकी, जो ये हमारा स्पेसिफिकेशन है, हमें किस स्पेसिफिकेशंस में ये ब्लेड मिलते हैं। तो ये जो ब्लेड है दोस्तों, ये 250 से लेके 300 mm की लेंथ में मिलते हैं। अगर हम लेंथ बात करें तो ये हमारी इसकी ओवरऑल लेंथ होती है। इसमें लेंथ के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये 250 से लेके 300 mm की लेंथ में मिलते हैं। और इसकी जो ये जो हमारी इसकी जो ब्रीथ है, इसकी चौड़ाई आप देख सकते हैं यहाँ से, ये जो इसकी ब्लेड की चौड़ाई होती है, ये जो ब्लेड की चौड़ाई है 13 से 16 mm, यानी 13 to 16 mm तक इसकी ब्लेड की चौड़ाई होती है। उसके बाद ये ब्लेड्स की आप थिकनेस देखेंगे यहाँ से, ये जो ब्लेड की थिकनेस है, ये जो ब्लेड की थिकनेस होगी ये हमारी 0.63 से, आप देख सकते हैं 0.63 से 0.8 तक इसकी जो ये ब्लेड की थिकनेस में, यानी जो ब्लेड की मोटाई है ना, ये आप ये देख सकते हैं यहाँ से, ये मोटाई ये 0.63 लेके 0.8 तक इसकी मोटाई रहती है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी जो ये हमारे यहाँ से देखेंगे आप इसकी मोटाई होगी। उसके बाद इसकी जो पिच है, ये इसकी पिच जो होती है हमारी पिच, इसकी 0.8 से लेके 1.8 तक की ये पिच में होती हैं। दोस्तों पिच बताना चाहूँगा आपको, ये डिफरेंस बिटवीन जो हमारे ये टीथ होते हैं ना, इसके टीथ एक दांते से दूसरे दांते के बीच में जो अंतर होता है उसको हम पिच बोलते हैं। दोस्तों मैंने थ्रेड्स वगैरह की पिच वगैरह पे सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वहाँ से जाके उनको देख सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से, इसकी जो पिच है, ये आप देख रहे हैं इसको, ये जो पिच है हमारी इसकी, जो ये हमारी पिच के अकॉर्डिंग 0.8 से लेके 1.8 तक की पिच हमारी मिलती है, मार्केट से आप ले सकते हैं। तो इस तरह से इसका पूरा स्पेसिफिकेशंस होता है, इसकी लेंथ, इसकी इसकी ब्लेड की चौड़ाई, ब्लेड की थिकनेस और उसकी दांतों की जो पिच है, इसकी अकॉर्डिंग ये इसका स्पेसिफिकेशन किया जाता है और मार्केट में मिलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी जो पिच मैंने बताया, इस पिच की अकॉर्डिंग ये 4 टाइप्स के होते हैं। पिच के अकॉर्डिंग हम बात करें तो सबसे पहला जो होता है रफ़ या कोर्स, जो इसको हम बोलते हैं रफ़ या कोर्स कोर्स पिच का जो ब्लेड होता है, उसमें दोस्तों बताना चाहूँगा मैं आपको कि जो 10 mm, यानी सपोज दैट हमारी जो 10 mm है, मैंने आपको पहले ही बताया पिच जो होती है एक दांते से दूसरे दांते के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो कोर्स जो ब्लेड होता है हमारा, कोर्स ब्लेड जो है, उसमें ये 10 mm की जो लेंथ होगी उसमें 8 दांते होते हैं। और ज़्यादातर ये ब्लेड्स रफ़ मेटल्स वगैरह होते हैं उनको काटने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद अगला आता है हमारा मीडियम पिच का ब्लेड। मीडियम पिच के ब्लेड जो होता है उसमें 10 mm की लेंथ में 10 दांते होंगे, 10 mm की लेंथ में उसमें 10 दांते होते हैं। उसके बाद फाइन पिच का जो हमारा एक और, उससे आगे हम और ज़्यादा एक्यूरेसी लेंगे तो उसमें हमारा आता है एक, इसका अलग से जो ब्लेड आएगा वो है फाइन पिच का ब्लेड। उसके बाद वेरी फाइन, जो फाइन पिच का ब्लेड होता है उसमें 10 mm में 14 दांते होते हैं, 10 mm में 14 दांते। और जो वेरी फाइन होता है उसकी 10 mm की लेंथ में, 10 mm की जो लेंथ होगी उसमें 18 दांते होते हैं, वो वेरी फाइन। ये जो 18 mm जो वेरी फाइन जो पिच का ब्लेड है वो हम ज़्यादा हार्ड स्टील, कठोर हार्ड स्टील्स वगैरह होती हैं उसमें यूज करते हैं। बाकी के जो ब्लेड्स हैं जैसे कोर्स पिच के और मीडियम पिच के, ये माइल्ड स्टील है, ये सब चीज़ों के लिए करते हैं। जो और फाइन पिच है ये ज़्यादा हमारी जो हार्ड पीतल होती है, हार्ड मेटल होते हैं, इनको हम कट करने के लिए, इनका हार्ड एल्युमिनियम हार्ड पीतल वगैरह का कट करने के लिए हम इनका फाइन और वेरी फाइन पिच का यूज हम करते हैं। कोर्स और मीडियम पिच का ब्लेड जनरली हम यूज़ करते हैं। तो ये तो है इसकी अकॉर्डिंग टू पिच ये कितने टाइप्स के, 4 टाइप्स के होते हैं, कोर्स पिच, मीडियम, फाइन और वेरी फाइन। तो दोस्तों ये तो था पिच के बारे में। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो पिच के बाद जो हमारा है, ये दांतों की जो सेटिंग होती है, ये जो दांते आपने देखे, इसमें दांते, ये जो टीथ्स कटे हुए हैं, टीथ्स में आप देख रहे हैं हर एक ब्लेड में एक लहर सी बनी हुई होती है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा क्लोज करके, फोकस करते हैं, अभी दिखाते हैं आपको। ये देखिए आप, हर एक ब्लेड में एक लहर सी बनी हुई है। इसकी जो मैंने बताया था आपकी दांतों की जो सेटिंग होती है, उसके सेटिंग के अकॉर्डिंग जो पिच जो है, आप देख रहे हैं एक लहर सी बनी हुई है इसमें। ये जो लहर दांतों में देख रहे हैं ना आप, लहर बनी हुई है जो आप यहाँ से देखेंगे, ये इसमें दांतों की जो है इसमें आप देखेंगे लहर सी है। इसकी अकॉर्डिंग भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की सेटिंग्स होती है इसमें। अगर हम सेटिंग्स की बात करें तो हमारे सिंगल सेटिंग्स, ये जो आप दांते देख रहे हैं सिंगल सेटिंग में होते हैं, डबल अल्टरनेट सेटिंग में होंगे, और हमारा जिगजैग सेटिंग में होते हैं। तो ये 3 तरह की सेटिंग्स होती है हमारी जो ब्लेड्स में यूज होती हैं। जैसे हम ब्लेड्स में बात करें तो सबसे पहले जो हमारा सिंगल सेटिंग होती है, ये सिंगल सेटिंग तो जो होती है उसमें जो हमारा जो दांते हैं इसके दो सिंगल, एक दांता लेफ्ट और एक राइट, फिर एक लेफ्ट और एक राइट, इस तरह से होता है। और हर 5वें जो टीथ है इसका, उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखा जाता है, यानी एक दांते लेफ्ट, एक दांते राइट, फिर लेफ्ट, फिर राइट, और 5वां दांते को जो हम स्ट्रेट रखते हैं, ये होता है सिंगल सेटिंग में। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि आप जो देखा हमने लहर सी बनी हुई है, इसलिए किया जाता है क्योंकि जब हम मेटल को कट करते हैं
तो कट करते टाइम हमारा जो ये ब्लेड की थिकनेस है इससे ज़्यादा कट लगता है ये टीथ्स के कारण, क्योंकि टीथ्स में जो ये लहर होती है इसके कारण, क्यों अगर हमारा ये नहीं होगी तो हमारा जो ब्लेड है वो फंसेगा, उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, जल्दी हीट हो जाएगा और हमारा ब्लेड टूट सकता है। तो इसलिए हम इसमें ये अल्टरनेट सेटिंग्स है, सिंगल सेटिंग, वेवी कट सेटिंग या जिगजैग सेटिंग्स या सिंगल सेटिंग्स को देते हैं। जो लहर सी होती है इसीलिए काटा हुआ होता है इस ब्लेड में। तो अभी देखा हमने सिंगल सेटिंग के बारे में समझा। सिंगल सेटिंग में क्या होता है, एक दांत लेफ्ट, एक दांत राइट और हर पाँचवें दांते को स्ट्रेट रखा जाता है। उसके बाद सेम इसी तरह से जो हमारा दूसरी जो डबल अल्टरनेट सेटिंग है उसमें भी सेम कुछ इसी तरह से रखा जाता है। उसमें क्या होता है, डबल अल्टरनेट में दो दांते लेफ्ट, फिर दो दांते राइट और नेक्स्ट दांते को स्ट्रेट रखा जाता है। स्ट्रेट वाला जो दांता है ये हमारा जो अंदर जो चिप्स वगैरह कटिंग की होती है उनको भी बाहर निकालने का काम करते हैं। उसके बाद एक और होता है हमारा जो ये जो एक और सेटिंग है उसको बोलते हैं हम वेवी कट या जिग जैग। आपने देखा हो कई बार ब्लेडों में एक लहर सी बनी होती है, इस तरह से लहर सी बनी रहती है। वो लहर काम करती है कि ये जो है ब्लेड में लहर है वो भी पूरा ज़्यादा ज़्यादा हार्ड, जैसे वेरी फाइन पिच का ब्लेड मैंने बताया था आपको, तो वो वेरी फाइन पिच के ब्लेड में कुछ ज़्यादातर ये इस तरह की हमारी ये जो है जो जिग जैग और वेवी कट सेटिंग्स मिलती हैं। तो दोस्तों ये तीन तरह की हमारी हेक्सा ब्लेड में ये सेटिंग्स होती हैं जिसके कारण जिसके अकॉर्डिंग हम इनको यूज करते हैं अलग अलग तरह के मेटल्स में। जो हमारा सिंगल और डबल अल्टरनेट सेटिंग है कोर्स और उसमें होती हैं, कोर्स और मीडियम में ज़्यादातर यूज होती हैं, और ये वेवी कट जो है वेरी फाइन जो पिच होती है हमारी वेवी कट या जिग जैग सेटिंग्स, यानी एक लहर सी बनी होती है इसमें, इस तरह से लहर आएगी हमारी बनी हुई, तो वो ज़्यादातर उसमें यूज होती है। तो ये तो है दोस्तों जो हमारा ये हेक्सा ब्लेड हैंड हेक्सा हो गया। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको ये आप ये दूसरे ब्लेड्स देख रहे हैं ये जो है हमारे ये पावर हेक्सा के ब्लेड्स हैं। जो हम पावर हेक्सा जो ये तो हम मैनुअल कटिंग करते हैं इन ब्लेड से, जो हमारे मैनुअल कटिंग के लिए यूज होते हैं। ये है हमारा एक पावर हेक्सा का ब्लेड है जिसमें हम जो पावर हेक्सा ऑटोमेटिक कटिंग करते हैं जो मशीन, मैंने इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाई है, मैं इन सभी के लिंक्स आपको दे दूंगा तो वहाँ से आप इनको भी देख सकते हैं। तो ये है पावर हेक्सा के ब्लेड, इसी तरह से ये भी सभी हमारे ब्लेड्स भी आते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये जो हेक्सा ब्लेड है इस वीडियो से रिलेटेड आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई कोई भी डाउट्स रहा हो, कोई भी क्वेरी रही हो आपको उन हेक्सा ब्लेड को लेकर या हेक्सा फ्रेम कोई भी कटिंग टूल्स के बारे में अगर कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं ज़रूर उनका रिप्लाई करूँगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।